वेरी गुड इवनिंग एवरी वन माई नेमी शुभम सिंह हानिया एंड आई एम योर मैंटर फॉर यू जी सी नेट पेपर वन पेपर डू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट तो अब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जाम्स हो चुके हैं एंड नाउ आई हैव बिन रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज की सर प्लीज थोड़ा सा हमें गाइडेंस दे दीजिए डेट हाउ कैन बी प्रिपेयर फॉर पी एच डीज एट टॉप इंस्टीट्यूट्स तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि पी एच डी करने से पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है डट वाई डू यू वॉन्ट टू डू पी एच डी अगर आपको पी एच डी इसलिए करनी है बिकॉज यू आर क्यूरियस अबाउट रिसर्च आप रिसर्च में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ठीक है और सच में पैशनेट हैं ये बहुत ही होलिस्टिक मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ फाइव ईयर्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स तभी आपको फुल टाइम पीएचडी में इनरोल करना चाहिए अदरवाइज व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू हैव अ जॉब ऑफ योरसेल्फ चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हैं या कोई और जॉब करना चाहते हैं एंड आप पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल करा लीजिए डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन अ फुल टाइम पीएचडी टिन योर वेरी श्योर कि भाई मुझे रिसर्च करने में मजा आने वाला है आई एम गोइंग टू इंजॉय इट ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता फुल टाइम पी एच डी करो पार्ट टाइम पी एच डी करो अल्टीमेटली डिग्री की सेमी वैल्यू होती है यू विल गेट अ जॉब अल्टीमेटली कोई भी डिफरेंस नहीं होता सिर्फ आपका नॉलेज जो स्किल्स होती है जो रिसर्च पब्लिकेशन होती है देआर गोइंग टू मैटर नाइदर द इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू मैटर इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ठीक है विद दिस आई वुड लाइक टू बिगिन विद टूडे सेशन ड्यू टू सम रीजनस ठीक है वी आर नॉट हैविंग द लाइव सेशन बट आई एश्योर यू कि जो भी सेशनस होंगे दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल टू यू बिकॉज आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई पी एच डी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू तो जो लास्ट तीन चार साल का मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पर मैं आपको हेल्प करने वाला हूं गाइड करने वाला हूं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर योर पी एच डीज ऑल्सो मैं एक बात बता दूँ छोटी सी बिफोर आई स्टार्ट कि एक सिंसियर प्रिपरेशन के लिए इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड इंस्टीट्यूट लेट से आप आई में जाना चाहते हैं आई में जाना चाहते हैं या और अदर टॉप सेंट्रल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाना सकते हैं तो कम से कम मिनिमम बेयर मिनिमम दो से तीन महीने की प्रिपरेशन लगती ही लगती है एंड कंसीडरिंग कि अब जो फॉर्म्स आएंगे वो नवंबर दिसंबर में आएंगे अक्टूबर हैज़ जस्ट स्टार्टेड आपके पास बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर वेल एंड गेट एडमिटेड जितनी जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा उतना आपका टाइम कम वेस्ट होगा तो अभी आई के सारे के सारे फॉर्म जो है वो नवंबर में आने शुरू हो जाते हैं इवन अक्टूबर में आने शुरू हो जाते हैं यू कैन कीप अ लुक ओवर इट और अकॉर्डिंगली साथ साथ पैरली प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स बिगिन विद टूडेज सेशन मैं आपको बता दूं कि जब आप पीएचडी की तैयारी करते हैं तो पांच स्पेसिफिक एरियाज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं पांच स्पेसिफिक एलिमेंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करना है ठीक है सबसे पहला एरिया क्या कवर करना है एक्सपर्टीज इन योर एरिया नाउ व्हेन आई से एक्सपर्टीज इन योर एरियाज का मतलब क्या है जब भी आप कहीं का भी फॉर्म भरते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है आपको अपना डोमेन या फिर एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है लेट्स से यू से कि भाई मेरे को जो पी करनी है वो एच एरिया में करनी है या फिर लेट्स से मार्केटिंग एरिया में करनी है तो अब होता क्या है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग पैनल दिया जाता है ठीक है लेट्स से अगर आपने एच आर एरिया चुना है तो आपको एच आर का पैनल मिलेगा जहां पे चार से पांच एक्सपर्ट्स जो कि सच में बहुत डेडली एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जिनका रिसर्च बहुत अच्छा होता है दीज आर द दीपल है गोइंग टू सेट द इंटरव्यू और ये आपसे सवाल पूछने वाले हैं तो सबसे पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आप सबसे पहले उस एरिया के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें फॉर इंस्टेंस लेट से आप एच डोमेन में हैं और आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको ये नहीं पता है. या फिर अगर आपसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसका मतलब

बेसिक कंसेप्ट को कवर करिए दो तीन टॉपिक्स के अंदर एक्सपर्टीज हासिल कर लिए क्यों हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू पैनल पूछ ले कि ठीक है एचआर आपका एरिया है आप ये बताओ कि एचआर के अंदर क्या आर यू स्पेशलाइज आर यू स्पेशलाइज इन द एरिया ऑफ लेट से क्या आप किसी और टॉपिक में इंटरेस्टेड है लेट से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या आप रिक्रूटमेंट के टॉपिक में इंटरेस्टेड है मतलब दो तीन टॉपिक्स आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए जहां पर एक्सपर्टीज नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि अगर आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछ ले तो आप वो एरियाज बता पाए थर्ड कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट प्रैक्टिकल इंसाइट का क्या मतलब है कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप बताओ कि आजकल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर कौन से मेथड्स चल रहे हैं रिक्रूटमेंट के फॉर एग्जांपल आप हमेशा देखते हैं कि आजकल कोचिंग बहुत फेमस है आप देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट टीचर शिफ्ट कर रहे होते हैं एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से दूसरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल अवेयरनेस जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए ठीक है लास्ट बट नॉट द लीज करंट मार्केट अपडेट्स अब एचआर मार्केटिंग में तो करंट मार्केट अपडेट ज्यादा नहीं आते हैं बट लेट से आप फाइनेंस के एरिया के हैं और आप बोल देते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट मेरा एरिया है स्टॉक मार्केट में मैं इंटरेस्टेड हूँ तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अभी चार दिन पहले या कुछ दिन पहले स्टॉक मार्केट नीचे गया था व्हाट कुड बी द प्रॉबेबल रीजन या कोविड के बाद क्या इंपैक्ट रहा है स्टॉक मार्केट पे कोविड का क्या इंपैक्ट रहा है या फिर किसी भी और डायमेंशन में आपसे सवाल पूछा सकते हैं तो थोड़ा आपको करंट अफेयर्स जो है उस पटला सब्जेक्ट से रिलेटेड डोमेन से रिलेटेड वो भी पता होना चाहिए थोड़े से प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी पता होने चाहिए बेसिक कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और एक्सपर्टीज दो से तीन टॉपिक में होनी चाहिए यह पहला टास्क है जो आपको करना है डोंट जंप इंटू ग्यार मैं प्रपोजल बना लेता हूं जब तक बेसिक सवाल नहीं आते होंगे प्रपोजल बनाने का कोई फायदा नहीं डोंट जंप इन टू द प्रपोजल या फिर साइमल्टेनियसली शुरू कर दीजिए बट अपने एरिया को इग्नोर मत करिए बिकॉज स्ट्रेट अवे कोई भी पैनलिस्ट प्रपोजल पर जंप नहीं करता एक से दो बेसिक सवाल पूछते हैं उसके बाद बोलते हैं कि चलो यार अच्छा प्रपोजल के बारे में बताओ ठीक है तो फर्स्ट टास्क इज गोइंग टू बी टू हैव एन एक्सपर्टीज इन योर एरिया ठीक है सेकेंड टास्क क्या करना है सेकेंड टास्क इज फोकसिंग ऑन योर रिसर्च प्रपोजल एंड सीनोपसिस ठीक है आप कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है और कई कई बहुत ब्रीफली मांगा जाता है बट आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा डिटेल बनाएं क्योंकि जब आप डिटेल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उससे आउटलाइन तैयार कर सकते हैं उससे एक शॉर्ट सिनोप्सिस प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करने दैट मीस इंट्रोडक्शन हो गया उसके अंदर उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू हो गया उसके अंदर बेसिक मेथोडोलॉजी हो गई रिसर्च डिजाइन हो गया ठीक है वॉट आर यू प्लानिंग टू डू ठीक है आपके ऑब्जेक्टिव हो गए ठीक है इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे एंड ऑफ कोर्स योर इम्प्लीकेशन ठीक है तो कुछ एरियाज हाईलाइटेड कर दिए मैंने यहाँ पे जैसे एक थॉरो लिटरेचर रिव्यू आपको करना पड़ेगा बिकॉज क्यों कह रहा हूं मैं लेट से आप एक टॉपिक बताते हैं कि भाई मैं जो रिसर्च करना चाहता हूँ लेट से इन द एरिया ऑफ मोटिवेशन करना चाहता हूँ आपसे पूछते हैं मोटिवेशन में आप क्या करना चाहते हैं लेट से आपने बता दिया कि भाई मैं ईआरजी जी थ्योरी पे काम करना चाहता हूं ठीक है अब उनमें से पैनलिस्ट में से ऑलरेडी कोई ऐसा पर्सन है हु इज एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ ईआर थ्योरी और उसी एरिया में काम कर रहा है तो उसको पता होगा कि इस टाइम पर करंट लिटरेचर जो है वो कहां तक पहुंचा हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स पर रिसर्च हुई हुई है इन दैट पर्टिकुलर एरिया और डोमेन तो आपको इसलिए बहुत थौ लिटरेचर रिव्यू करके जाना चाहता है यू डोंट वॉन्ट टू एक्ट एज अ फूल आप ऐसा नहीं चाहते कि जो आप बोल रहे हो सामने वाला बोलते कि अरे चार दिन पहले मैंने एक पेपर पढ़ा पढ़ाया लेट्स ऑफ सिंघानिया एट ऑल जिसने सेम काम कर रखा है देन योर इंटरव्यूज़ ओवर एट दैट पटल मोमेंट उसी टाइम पर आपका इंटरव्यू खत्म है क्योंकि अगर आपको लिटरेचर के बारे में नहीं पता तो आपने रिसर्च प्रपोजल क्या ही बनाया होगा ठीक है देन द बेसिक्स ऑन योर डेटा सोर्सेस प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे आप सेकेंडरी डेटा करो कलेक्ट करोगे वाई डू यू थिंक प्राइमरी डेटा इज सूटल और वाई डू थिंक सेकेंडरी डेटा इज सूटेटल इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कुछ बेसिक्स ऑफ मेथोडोलॉजी मतलब कुछ टेक्निक्स हो गई जो लेट से आप कहते हो कि मैं रिग्रेशन यूज करना चाहता हूं तो वाई डू यू वॉन्ट टू यूज रिग्रेशन वाई डू यू थिंक रिग्रेशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेथड रिग्रेशन के क्या हैं सोन एंड सोफोर्ट तो जो भी टेक्निक आप मेथोलॉजी के अंदर मेंशन कर रहे हो जो कि आपकी प्रपोज मेथोडोलॉजी है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंप्लीकेशन पार्ट जो हमेशा स्टूडेंट्स कुछ भी लिख देते हैं भाई देखो इंप्लीकेशन ये बताता है कि जो आप रिसर्च करने वाले हो वट इज गोइंग टू बी इट सिग्निफिकेंस क्या वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाला है क्या वो कॉर्पोरेट्स को काम आने वाला है क्या वो पॉलिसिकल पॉलिसी मेकर्स को काम आने वाला है मतलब किसी के तो काम आना चाहिए ना अगर किसी के भी काम नहीं आ रहे तो क्यों रिसर्च कर रहे हो तो ये एक बहुत ही बेसिक सवाल है जो कई पैनलिस्ट पूछ लेते हैं कि भाई इंप्लीकेशन बताओ अपने रिसर्च का कि जो आप करना चाहते हो वट इज गोइंग टू बी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ओन रिसर्च तो इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको थॉरोली कवर कर लेना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम दिस इज गोइंग टू टेक योर फोकस टू लिटरेचर रिव्यू जब तक अच्छे से लिटरेचर रिव्यू नहीं करोगे अच्छा प्रपोजल नहीं बनेगा ठीक है तो ये सेकेंड एस्पेक्ट है जिसपे आपको फोकस करना है द थर्ड एस्पेक्ट इज रिसर्च एप्टीट्यूड अब देखो थोड़ा सा ब्लंटली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जब भी आप किसी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो आप हमेशा किसके साथ काम करना पसंद करते हैं जिसके साथ आपका कंफर्ट लेवल मैच कर जाता है फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है टेम्पो मैच कर जाती है समबडी हु इज ईजी टू वर्क विथ या फिर आप किसी ऐसे बंदे के साथ काम करना पसंद करते हो जिसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है काम करना और उसको कुछ भी नहीं आता उसको बहुत बेस से स्टार्ट करवाना पड़ता है तो हर प्रोफेसर हर इंसान लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश होता है वो चाहता है कि भाई जो भी पर्सन आ रहा है उसके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड तो मुझे दिखे ही डजेंट वॉन्ट एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ रिसर्च बट वो प्रोफेसर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बेसिक रिसर्च तो पता होना चाहिए ना एप्टीट्यूड तो होना चाहिए ना रिसर्च का ऐसा नहीं होना चाहिए कि एप्टीट्यूड तो टीचिंग का है या एप्टीट्यूड तो लेट से सेल्समैन का है और आ रहे हैं रिसर्च करने तो वो वो चेक करना चाहते हैं ठीक है जिसके लिए वो आपसे कुछ बेसिक रिसर्च के सवाल पूछेंगे ठीक है तो क्या हो गया टाइप्स ऑफ रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको पता होना चाहिए कि भाई एप्लीकेशन रिसर्च क्या है एक्शन रिसर्च क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है क्वालिटेटिव क्या है क्वाटिटिव क्या है इतना बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन हमने यूजीसी नेट के सिलेबस में भी डिस्कस किया हुआ है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स अगर आपको एक्जाम्पल्स नहीं पता होंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू इट बिकॉज जिसको एप्टीट्यूड होता है वो उसके बारे में पढ़ता है उसके बारे में समझने की कोशिश करता है सिर्फ डेफिनेशन रट के चले जाओगे तो उससे काम नहीं होगा लास्ट नॉट द लीस्ट रिसर्च एथिक्स ठीक है आजकल एथिक्स जो है एक मैंडेटरी कोर्स बन गया है वेन यू गो फॉर योर पीएचडी कोर्स वर्क जैसे आप कोर्स वर्क शुरू करते हैं उसके अंदर यूजीसी ने रिसर्च एथिक्स को मैंडेटरी कर दिया कि भाई आपको प्लेगरिज्म के बारे में पता है कि नहीं ठीक है और क्या क्या, -क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं वैलिडिटी रिलायबिलिटी से रिलेटेड जो भी एथिक्स ओरिएंटेड हैं क्वेश्चन आई डिज़ाइन करना उससे रिलेटेड एथिक्स क्या होते हैं डेटा कलेक्शन से रिलेटेड एथिक्स क्या होते हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इतनी बेसिक अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए लास्टली कई बार रिसर्च के बारे में जानने के लिए आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई जर्नल का क्लासिफिकेशन बताओ मैंने आपको कई बार जर्नल्स का क्लासिफिकेशन बताया कि सबसे बेसिक क्या होता है पीयर रिव्यूड जो कि द इज सम्बडडी हु हैज रिव्यूड योर वर्क ठीक है कोई एक ऐसा है जिसने आपके वर्क को रिव्यू किया है देन दे इज़ यू जी सी केयर लिस्ट जो कि इंडिया में बहुत फेमस है इसके बाद एक लिस्ट आती है जिसको हम स्कोपस लिस्ट कहते हैं वेरी वेल देन वी हैव ए बी डी सी ऑस्ट्रेजियन बिजनेस डीन कॉल से लिस्ट एंड देन एस एस सी आई ठीक है सोशल साइंस साइडेशन इंडेक्स तो ये एक बेसिकली एक लेवल्स होगा इन टर्म्स ऑफ योर जर्नल तो इसके बारे में आपको बेसिक अवेयरनेस है कि नहीं ये भी पूछा जा सकता है ठीक है फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है बेसिक्स ऑन स्टैटिस्टिक्स अब कई स्टूडेंट्स आते हैं मुझे कहते हैं कि सर हमें तो स्टैटिस्टिक्स पसंद ही नहीं है या हमें स्टैटिस्टिक्स आता ही नहीं है भाई मैं आपको बता दूं कि अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो उसके अंदर 50 परसेंट ऑफ द वर्क जो है वो स्टैटिस्टिक्स का है एंड जो रिमेनिंग 50 परसेंट ऑफ़ द वर्क है वो आपकी एरिया की नॉलेज की है कि लेट्स से अगर आप फाइनेंस में काम करना चाहते हैं तो उस फाइनेंस में जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं लेट्स यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ म्यूचुअल फंड उस एरिया के बारे में आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए तो आपको फोकस क्या करना है कि यार कुछ बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो पढ़ के जाओ क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं आती होगी तो टेक्निक्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे एक बेसिक कमर्शियल आर्टिकल थोड़ा ना लिखना है जो न्यूज़पेपर में आता है या जो मैगजीन्स में आता है आपको रिसर्च करनी है विच इज अ साइंटिफिक वर्क तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स आनी जरूरी है तो कुछ बेसिक टेक्निक्स हो गए कि टी टेस्ट क्या होता है कब यूज़ किया जाता है जेड टेस्ट क्या होता है कोरिलेशन क्या होता है रिग्रेशन क्या होता है ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है सेकेंड क्या पर्पज है भाई कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि ये सारी टेक्निक्स है बट उसका पर्पज नहीं पता होता कि टीटस कब यूज़ करते हैं क्या पर्पज है उसको यूज़ करने का किस समय काम आएगा उसके बेसिक अजम्शन क्या हैं फॉर एग्जाम्पल टीटस यूज करने के दो एज्शन मैंने बताए थे फर्स्ट सैम्पल हैज़ टू बी स्मॉल स्मॉल सैम्पल सेकेंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविशन इज अनोन तो ये दो बेसिक अजम्पन्स हैं जिसके बिना आप टी टेस्ट नहीं लगा सकते तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कंपैरिजन बिटवीन टेक्निक कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या अंतर है कोफिशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशन ऑफ डिटमिनेशन में क्या अंतर है और उस पटलर स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल काफी सारी ऐसी स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो किसी पटलर एजम्पन को अगर वॉयलेट कर देती हैं तो आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल जब भी हम टी टेस्ट जेट टेस्ट जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे होते हैं जिनको टेस्ट कहते हैं। आई होप यू नो बिकॉज ये पॉपुलेशन के बारे में कुछ अजम्पशन बनाते हैं तो अगर ये अजम्पन होल्ड नहीं करते हैं तो आपको वो टेस्ट नहीं लगाना होता है यू कैन नॉट मेक यूज ऑफ तो थोड़ा बहुत बेसिक्स अपनी जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की ग्रेजुएशन की बुक है उसको पिक करके थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ लेना है ताकि अगर एक दो फैकल्टी आपसे के सवाल पूछे तो आप ब्लैंक नहीं साउंड करो बिकॉज प्रोफेसर नहीं आती तो कल को टेक्निक में बट बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है ठीक है लास्ट बट नॉट द लीज कुछ मिसलेनियस एलिमेंट्स अब ये मिसलेनियस एलिमेंट्स में उनके लिए बोल रहा हूं जो पहले चार एलिमेंट्स कवर कर चुके हैं है। सोचने लगना कि सर आपने तो इतनी सारी चीजें बता दी हम कैसे कवर करेंगे जब आपने पहले चार एलिमेंट्स को अच्छे से कवर अप कर लिया ठीक है देन यू शुड मूव टू दिस लास्ट एलिमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको रीजन बता देता हूं बिकॉज अभी जो है मार्केट बहुत कॉम्पिटिव हो गया है हर कैंडिडेट जो आ रहा है वो लिटरेचर रिव्यू करके आ रहा है जी क्लियर करके आ रहा है तो मार्केट बहुत इंटेंस हो गया है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन बच्चे बहुत ज्यादा हैं जो यूजीसी नेट जी क्लियर कर रहे हैं और सीट्स बहुत कम है इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो अगर आपको अपनी पोजिशन कन्फर्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक एज लेना पड़ेगा और एज लेने को आप क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टर्म्स में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना पड़ेगा और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने का क्या तरीका है दैट यू डू समथिंग विच अदर्स आर नॉट डूइंग तो यहाँ पे कुछ तीन चार एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं ऑफ मिस शुभांगी वर्मा इरफान ही इज़ जन आय इंदौर शुभांी जेट एफ एफ आई आई बी वैशाली जेट आई एम टी गाजियाबाद तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग टॉप इंस्टीट्यूट्स में हैं उन्होंने कुछ एडोन्स किया था विच हैज एक्चुअली पेड देम ऑफ तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पहला आप कुछ डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर सीख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अभी तक लेट से आपने सारी कैलकुलेशन मैनुअली करी है तो थोड़ा सा क्या सीख सकते हो आप यूट्यूब वीडियो से यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है फ्रीली बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं कि भाई अगर मुझे ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है तो क्या मैं इनको एक्सेल पर रन कर सकता हूं एसपीएसएस जैसे सॉफ्टवेयर पर रन कर सकता हूँ थोड़ा बहुत अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा ना तो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा पैनल के सामने आप उनके सामने बोल पाओगे कि सर मैं कोरिलेशन एक्सेल पर रन कर लेता हूँ तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यार इसका इंटरेस्ट भी है और इसको एक एक्सपर्टीज लेवल की नॉलेज है तो एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीजें आपको सिखानी नहीं पड़ेंगी ठीक है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड अगर आपको टाइम मिल जाता है अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोफेसर के अंदर रिसर्च असिस्टेंटशिप की प्रोफाइल निकालेंगे कि आप आओ किसी प्रोफेसर के अंदर एक प्रोजेक्ट पे काम करो एज अ रिसर्च असिस्टेंट जिसमें आपको पेमेंट भी, भी मिलती है स्टाइपेंट भी मिलती है यूजुअली वेरी करती है पाँच हज़ार से लेकर पच्चीस हज़ार तक डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट्स बट इट वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लोरिंग टू रिसर्च नॉट या फिर रिसर्च होती क्या ठीक है।, है कुछ लोग हैं जैसे डेली स्कूल ऑफ इकोनमिक में जानता हूँ बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया अब देखो रिसर्च आर्टिकल से आपको एज क्या मिलता है कि अगर आप, आपने कोई भी बेसिक सा रिसर्च आर्टिकल लिखा है भले आपने एक लिटरेचर रिव्यू कर रखा हो या फिर एक बेसिक पेपर लिख रखा हो तो सामने वाले को कुछ बताने के लिए होता है लेट से दस कैंडिडेट्स आते हैं सब कह रहे हैं भाई नेट जी आर एफ क्वालिफाइड है एक कैंडिडेट आता है वो कहता है सर मैंने एक रिसर्च आर्टिकल छोटा सा लिखा है और उसको एक पीयर रिव्यूड या फिर एक यू डीसी के जर्नल में भेज रखा है एटलीस्ट यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हंड्रेड परसेंट चांसेस है कि पैनल में से कोई एक बंदा ये बोल देगा कि अच्छा बताओ अपने रिसर्च के बारे में सो यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट द मोर यू टॉक अबाउट रिसर्च दे एर मोर गोइंग टू बी इंप्रेस विद योर पर्सनलिटी विथ योर प्रोफाइल सो दैट इज ऑल्सो एन एड ऑन नेक्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलके या फिर अपने किसी प्रोफेसर के साथ मिलके अपने किसी सीनियर के साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं भले छोटा सा ही रोल होता है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे होते बट एटलीस्ट दे आर इंक्लाइन टुवर्स लर्निंग अबाउट दोज रिसर्च प्रोजेक्ट्स तो उससे क्या होता है आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है रिसर्च का ठीक है लास्टली कुछ और सॉफ्टवेयर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो लेट से आप मैंनेडले सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करना चाहते हो जो रेफरेंसिंग के लिए काम आता है मतलब इसमें आप ऑटोमेटिक एपीए ठीक है हाउवर्ड स्टाइल हो गया शिकागो हो गया जो भी यूज करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टुलर सॉफ्टवेयर तो जितनी चीजें आप सीख के जाओगे ना जो आपको रिसर्च में सीखनी है अगर आपको टाइम लग जाता है और आप इन चीजों को ब्रशअप कर लेते हो दैट इज गोइंग टू गिव अ वेरी वंडरफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट वो इंप्रेस होने वाले हैं कि यार इसको तो चीजें काफी हद तक आती हैं तो मैं आप यहां पे अपना एक, एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी थी उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंडेटरी है ना ही अपने को बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बूस्ट करने की बट आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी दो रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कर लिए थे इन इना यू से पीयर रिव्यू जर्नल या फिर यू जी सी मैंने भी वहीं से शुरू किया था ठीक है तो हर इंसान की जर्नी वहीं से शुरू होती है बट आपका अप्रोच क्लियर हो जाना चाहिए तो मुझे याद है कि एक में शायद मैंने टीटर्स लगाया था और दूसरे में शायद मैंने बेसिक डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा हुआ था तो एटलीस्ट हर इंटरव्यू में क्या हो रहा था कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि अच्छा टी लगा लगाए टी के बारे में बताओ ठीक अच्छा, है अच्छा लिटरेचर रिव्यू क्या लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताओ लिटरेचर रिव्यू होता क्या है लिटरेचर रिव्यू करने के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं तो एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू टॉक अबाउट तो जब आपको लगे कि आप पहले चार एलिमेंट्स को कवर कर चुके हो देन यू कैन फोकस अपॉन द फिफ्थ एलिमेंट विच इज अ मिसलेनियस सेक्शन ठीक है और हमेशा ध्यान रखना कि ये सबसे लास्ट में करने के लिए होता है पहले इसको करने का कोई फायदा नहीं इट इज लाइक सेइंग कि मुझे फाइनेंस तो आती नहीं है बट मुझे रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर आता है ठीक है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ठीक है दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टुलर वीडियो आई होप आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी दट हाउ कैन यू एक्चुअली गो अबाउट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स पी ठीक है कोई भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है लगा कि जो भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कुछ इनसाइट शेयर किया अगर इससे आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल द बेस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू